नमस्ते दोस्तों, आप सभी का साइन रिव्यू में स्वागत है। ये वीडियो आने वाली है मोटरसाइकिल के साइड इंडिकेटर को चेंज करने के ऊपर। मैं इस वीडियो में आपको एक फ्रंट साइड का इंडिकेटर और एक बैक साइड का इंडिकेटर जो चेंज करके दिखाऊंगा। अगर आप अपनी मोटरसाइकिल में एक इंडिकेटर को जो मॉडिफाई करके एक एलईडी इंडिकेटर लगाना चाहते हैं तब भी जो तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। मैं ये वीडियो पल्सर 150 पे बना रहा हूँ, लेकिन आपके पास में चाहे किसी भी ब्रांड की मोटरसाइकिल हो, सभी के लिए जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम होने वाला है। सबसे पहले आपको अपनी मोटरसाइकिल की हेडलाइट फेयरिंग जो वो ओपन कर लेनी है। हो सकता है कि आपके केस में इसे ओपन करने का जो तरीका है थोड़ा अलग हो। मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड पे यहाँ पर एक बोल्ट लगा हुआ है 10 mm का। ऐसा ही बोल्ट एक पली तरफ लगा होगा और दो बोल्ट जो है वो यहाँ पे, ये देखिए, इस जगह पे लगे रहते हैं। ये मैंने पहले ही ओपन कर रखे हैं, तो मुझे बस ये जो साइड के बोल्ट हैं ये ओपन करने पड़ेंगे, तो मैंने ओपन कर लेता हूँ। सभी बोल्ट्स को ओपन करने के बाद में आपको इसकी जो ये फेयरिंग है ये सिंपली बाहर की तरफ को खींच लेनी है, और यहाँ पे इसका जो ये कनेक्शन रहता है इस कनेक्शन को आपको जो वो डिस्कनेक्ट कर देना है और इसे जो साइड पे रख देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे केस में जो ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो राइट साइड का इंडिकेटर है ये देखिए ये टूट चुका है और इसे हमें जो ओपन करना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले इस पुराने टूटे हुए इंडिकेटर को ओपन करने के लिए हमें इसकी जो वायर्स हैं इन्हें डिस्कनेक्ट कर देना है। देन यहाँ पे अगर आप बैक साइड पे देख पा रहे हो एक नट लगा हुआ है, ये 14 mm का नट है, हमें इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही ये नट ओपन हो जाए उसके बाद में ये जो यहाँ पे इंडिकेटर स्टे रहता है इसे आपको जो है बाहर की तरफ को खींच लेना है। ये देखिए ये पुराने इंडिकेटर का जो स्टे है वो बाहर आ चुका है। इसके बाद में आपको अपनी मोटरसाइकिल के अकॉर्डिंग जो बाजार से एक नया इंडिकेटर ले आना है। ये आपको लगभग 110 से 120 रुपए में जो मिल जाते हैं। अगर आपको मिंडा कंपनी का मिलता है तो सबसे बेस्ट रहता है, मुझे नहीं मिल पाया, मुझे किसी और कंपनी का मिला है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये दो तरह के आते हैं, एक इसमें जो वो डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल मीन्स अगर आप राइट साइड का अगर इंडिकेटर चेंज करें तो राइट साइड में ही लगेगा, और लेफ्ट साइड का इंडिकेटर अगर आपका टूटा हुआ है तो लेफ्ट साइड ही वो लगता है। तो डायरेक्शनल का आप कैसे पता लगाएंगे, अगर आप देख पा रहे हो बैक साइड पे यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, तो ये वाला जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है ये आप किसी भी साइड पे लगा सकते हैं, ये आप लेफ्ट साइड पे भी लगा सकते हैं और इसे राइट साइड पे भी लगा सकते हैं। लेकिन ये मेरे पास में एक थोड़ा पुराना पड़ा हुआ है, ये देखिए इसमें जो स्क्रू है वो नीचे की तरफ है, ये देखिए ये वाले में जो वो बैक साइड पे है और इसमें नीचे की तरफ है। मीन्स ये जो है ये पर्टिकुलर हमारा जो इस राइट साइड पे ही लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रू है ये बॉटम की तरफ ही रहता है, और साथ में यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये एक छोटा सा यहाँ पर अगर देख पा रहे हो ये बना हुआ है, यहाँ से ये पानी वगैरह जो भी अंदर अगर जाता है उसे निकलने के लिए यहाँ पे बना रहता है ये। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको एक डायरेक्शनल इंडिकेटर मिलता है तो आपको वो अपनी मोटरसाइकिल का जो भी इंडिकेटर साइड जिस भी साइड का चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग ही लाना है। अगर ये यूनिडायरेक्शनल मिलता है जो किसी भी साइड पर लग सकता है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं जिस मर्जी साइड पे लगाने के लिए। तो मुझे तो फिलहाल ये वाला मिला है, तो इसे मैं किसी भी साइड पे ला सकता हूँ, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। नए इंडिकेटर को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह पर हमारा जो इंडिकेटर है वो बैठता है, और यहाँ पर ये एक बड़ा वाला होल देख रहे हैं आप सेंटर में, और ये जो बिल्कुल बैक साइड पे एक छोटा सा होल देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो एक इंडिकेटर स्टे के ऊपर में एक रॉड जैसी निकली हुई है यहाँ पर, ये इस जगह पर बैठती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसे इसमें लगाएं तो ये जो रॉड है ये इस होल में बैठे, इससे हमारा इंडिकेटर जो एक स्टेबल पोजीशन पे रहता है। सबसे पहले इसका जो ये नट है ये निकाल लेना है। देन सबसे पहले इसकी ये जो वायर्स हैं ये सेंटर वाले होल से आपको इस तरह से निकाल लेनी है। देन आपको इस होल के साथ इस शाफ्ट को मैच करते हुए इसे इस तरह से लगा देना है, और यहाँ से आपको अपनी जो ये वॉशर है इसे अंदर डालना है। देन इसका जो ये नट है ये डाल के यहाँ पे बैक साइड पे यहाँ पे आपको इसे जो है वो टाइट कर देना है। नट को टाइट करने के बाद में आपको इसके जो वायरिंग कनेक्शन है वो कर देने हैं। इसका जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में कनेक्ट करना है, और इसका जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में कनेक्ट करना है। देन आपको इसे जो वो एक बार चेक कर लेना है कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए मेरे केस में ये प्रॉपरली काम कर रहा है।
इसके बाद में आपको इसकी जो हेडलाइट है वो वापस से लगा देनी है और आपका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको जो बैक साइड के इंडिकेटर को जो चेंज करके दिखाता हूँ। मोटरसाइकिल के बैक साइड में मैं आपको लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर है उसे चेंज करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि इसका जो ग्लास है वो किस तरह से फेड हो चुका है और इसकी जो वायर्स है वो भी अंदर से टूट चुकी हैं। तो ये इस तरह से फेड इसलिए हुआ है क्योंकि जिस भी मैकेनिक ने इसे फिट किया है इसे जो गलत फिट कर दिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो जिसमें ये स्क्रू यहाँ पे लगा रहता है, ये होल लगा हुआ आप देख पा रहे हैं और ये छोटा सा ये नॉच जैसा भी बना हुआ है यहाँ पर भी, तो ये जो है ये बॉटम की तरफ होना चाहिए। ये एक डायरेक्शनल इंडिकेटर है और ये बॉटम की तरफ होना चाहिए। अगर आपको इसे लगाना ही होता तो ये फ्रंट में लेफ्ट साइड में लग सकता था या बैक में ये राइट साइड पे लगना था, लेकिन जिस मैकेनिक ने इसे लगाया इसे गलत लगा दिया और जो भी पानी वगैरह वो यहाँ से अंदर जाता हुआ इस पूरे ग्लास को जो वो खराब कर दिया है। तो हमें इस इंडिकेटर को चेंज करने के लिए सबसे पहले इस पुराने वाले इंडिकेटर को जो ओपन करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी मोटरसाइकिल की जो सीट है वो ओपन कर लेनी है। आपके केस में जैसे भी ये ओपन होती है ओपन कर लें, मैंने इसे पहले ही ओपन कर लिया है। इसके बाद में आप जिस भी साइड के इंडिकेटर को जो ओपन करने जा रहे हैं उसकी जो वायर्स है आपको ढूंढ लेनी है। जैसे मेरे केस में ये लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है तो ये लेफ्ट साइड की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायर्स जो ओपन है क्योंकि ये पहले से ही टूट चुकी हैं। ये देखिए ये इसकी जो वायरिंग हार्नेस है ये आप देख सकते हैं बैक साइड पे, यहाँ पे इसकी जो वायर्स है पहले से टूट चुकी हैं। तो आपके केस में जो भी इंडिकेटर है उसके ये जो वायर्स है आपको जस्ट यहाँ पे ओपन कर लेनी है। इसके बाद में आपको इसके अंदर की तरफ में जो नट लगा हुआ है वो ओपन करना है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आप देख पा रहे होंगे ये इसका नट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जंग जैसा भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो WD-40 है उसका स्प्रे करूँगा। देखिए तो मैं इसे स्प्रे कर लेता हूँ। अगर आपके केस में भी यहाँ पे जंग वगैरह लगा हुआ है तो सबसे पहले इस तरह से WD-40 का जो स्प्रे ज़रूर करें। यहाँ पे भी जो वो सेम 14 mm का ही नट लगा रहता है तो आपको इसे स्पैनर की मदद से जो ओपन कर लेना है। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी जो वायर्स यहाँ पे ये ऊपर की तरफ से एक पाइप जैसी है इसमें आ रही हैं, तो आपको इसकी जो वायर्स है वो खींच लेनी है। ये देखिए इसकी तो वायर यहाँ पे टूटी गई और ये इस तरह से आपको वायर्स जो है वो खींच लेनी है और इसके बाद में हमारा जो ये इंडिकेटर है ये बाहर आ जाता है। तो बैक साइड के लिए भी मैं पहले से एक नया इंडिकेटर लेके आया हुआ था और इसे भी यहाँ पे लगाना बहुत ही आसान है। पहले मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए जिस तरह से फ्रंट साइड पे होल के साथ में एक छोटा सा होल था वैसे ही यहाँ पे भी आपको मिलेगा, जिससे हमारा जो ये इंडिकेटर है ये प्रॉपरली यहाँ पे रेस्ट करता है। ये देखिए ये इसकी पिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यही पिन हमें इस होल में लगानी होती है। थोड़ा सा रबड़ चढ़ा हुआ है तब नहीं आपको यहाँ पे शायद दिख नहीं रही होगी, ये देखिए। तो सबसे पहले हमें इसके जो ये नट और वॉशर है ये निकाल लेनी है। देन इसकी जो ये यहाँ पर वायर्स है ये आपको डालनी है और इस होल के साथ में इस पिन को मैच करते हुए यहाँ पे आपको लगा देनी है। अब ये जो नट और वॉशर है ये हम अंदर की तरफ से लगा के इसे जो वो टाइट कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें इसकी जो वॉशर है वो डालेंगे, देन इसका जो ये नट है इसे डाल के यहाँ पे टाइट कर देंगे। नट को टाइट करने के बाद इसकी जो वायर्स है हमें इन्हें ऊपर की तरफ को डालना है। ये जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया था कि एक पाइप जैसी है ऊपर की तरफ को जा रही है, यहीं से हमने पुरानी वाली वायर्स को निकाला था और यहीं से आपको जिन नई वाली वायर्स को डालना है और एक एक करके डालना है। इस तरह से डालना है कि ये आपस में यहाँ पर फंसे ना और ऊपर की तरफ से आपको इन्हें जो वो खींच लेना है और इसके बाद में इन वायर्स के जो कनेक्शन कर देने हैं आपको, ये इसकी नेगेटिव की नेगेटिव में लगा देनी है और जिसकी पॉजिटिव की वायर है वो आपको पॉजिटिव में लगा देनी है। और इसके बाद में आपको ये चेक कर लेना है कि ये इंडिकेटर प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए मेरे केस में ये इंडिकेटर जो है प्रॉपरली काम कर रहा है। तो इस तरह से आप भी अपनी मोटरसाइकिल के साइड इंडिकेटर्स को, चाहे वो फ्रंट का हो चाहे वो बैक का हो, उन्हें चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी आगे आने वाली वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।